तो स्कूल से जल्दी छुट्टी लेकर मैं अपने घर के लिए निकला ही था कि थोड़ी दूर जाने पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरी गाड़ी में तो ब्रेक ही नहीं लग रहा है। यार ये तो हम सभी के साथ होता है कि काम करने से पहले 11th आर पे हमारे सामने ऐसी चीज आके खड़ी हो जाती है कि उस काम को टालना पड़ जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं चला गया भैया के पास, मैकेनिक भैया। और बताइए। अरे भैया निकलना था घर, ये देखिए ब्रेक वो हो गया है, इसका ब्रेक ऑयल पूरा खराब हो गया है। हाँ फिर नया डालना पड़ेगा। हाँ कितना टाइम लग जाएगा? बेनिफिट मिलेगा, शोरूम पे लाना पड़ेगा। हाँ है नहीं यहाँ कहीं आसपास नहीं मिल जाएगा? तो यार उस ब्रेक के किट को खरीदने के लिए मैं सीधा चला गया बजाज के शोरूम। ब्रेक वायर चाहिए था, मिल जाएगा? पीछे पीछे। यार सच बताऊं तो ये सर्विस सेंटर्स और शोरूम्स की फॉर्मेलिटीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। यार ये पुलिस की मॉडिफाइड पल्सर भी एक नंबर लग रही है। ब्रेक वायर चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ, ऊपर। यहाँ से वहाँ जाइए, वहाँ से यहाँ जाइए, शोरूम में खाली यही सब करिए। भैया कौन सा गाड़ी का? पल्सर। उसमें ब्रेक लगा, ब्रेक फ्री हो गया है, कुछ उसमें अंदर कट गया है ब्रेक में, कि उसका सारा ब्रेक ऑयल लीक कर गया है। तो गाड़ी यहीं को बनवा लीजिए, कार्ड बनवा लीजिए, लगवा लीजिए। है नहीं, लगवा लेंगे, ब्रेक लगवा लेंगे, बस वो दे दीजिए। मेजर किट भैया उस तरह नहीं मिल पाएगा, खुलवा के लाना पड़ेगा। हाँ मेजर किट कट गया आपका, ब्रेक? हाँ हाँ वही वही मेजर किट खुलवा के लाना पड़ेगा, उसमें कई मॉडल होता है। तो देख लीजिए, पल्सर 180 है। 180 है ठीक है, लेकिन उस खुलने के बाद ही पता चलेगा, उसमें कई मॉडल आता है मेजर के। देख लेंगे खोल के। कार्ड बनवा लीजिए, बोल तो रहा है यहीं को लगवा लीजिए। तो एक्चुअली गाइस इनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई कस्टमर एक सामान भी लेने आ रहा है तो अपनी गाड़ी यहीं से बनवा के जाए, फिर अपना काम रोक के और सुरती ठोक के इन भैया ने मेरी गाड़ी बनाई। तो गाइस ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर है जो 1200 PSI से लेकर 1900 PSI तक का प्रेशर बिल्ड कर सकता है। फिर भैया ने मेरी गाड़ी को कुछ ज्यादा ही मन लगाकर धो दिया। फिर सारा काम हो जाने के बाद अपनी गाड़ी को रेडी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। यार बहुत दिनों से मैंने गाड़ी बनवाते हुए एक चीज सीखी है कि अपने मैकेनिक को हमेशा खर्चा पानी दे देकर खुश रखो तो तुम्हारी गाड़ी हमेशा अप टू डेट टिप टॉप रहेगी। और ये करना जो भूल गए तो नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारा नंबर आने से रहा। यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, पर अगर मैं निकलता तो रात तक तो घर पहुंच ही जाता। तो मैं फाइनली निकल ही गया। फिर लगभग 2 किलोमीटर के बाद मेरी गाड़ी रुक गई और वहां से मैं पैदल भूखा प्यासा दोबारा शोरूम गया। शोरूम भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, आधे लोग जा चुके थे और अगर मैं 10 मिनट और लेट आता तो आज तो नहीं हो पाता काम। हुआ वही जिस बात का डर था, भैया ने इतनी मेहनत से गाड़ी को धो दिया कि स्पार्क प्लग में पानी चला गया। सारा काम होने के बाद रात तो हो ही गई, पर मैंने भी सोच लिया था आज ही घर जाऊंगा, तो मैं निकल गया। फिर घर पहुंचते ही शैडो ने किया मेरा स्वागत। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।